हेलो विजार्ड, विच और अनजान मगलू लोगों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड पैक्ट की। जैसा कि हमें अभी तक पता ही चल गया कि ग्रिंडलवॉल्ड जो है वो एक बहुत ही चालाक दिमाग का और एकदम शातिर है, वो किसी को भी इजीली बेवकूफ बना सकता है। डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड दोनों एक साथ कई सालों तक रहे और अपने टीनेज में ही ब्लड पैक्ट की प्रक्रिया की थी। ग्रिंडलवॉल्ड हम लोग जानते हैं स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने डंबलडोर को जो है झूठ बताया था। ग्रिंडलवॉल्ड का मकसद दूसरा था, उसे जादुई दुनिया पर राज करना था। मौत के तीनों तोहफे के बारे में वो बात करते थे एक दूसरे आपस में ही। ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर आपस में ही मौत के तोहफों की बात करते रहते थे। लेकिन ग्रिंडलवॉल्ड की चाह सिर्फ सीमित नहीं थी, उसे जादुई दुनिया पर और अनजादुई दुनिया पर, दोनों दुनिया पर अपना राज करना था। हम लोग जानते हैं कि पहला ऐसा विजार्ड जिसने जादुई दुनिया को हिला के रख दिया और मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के विरुद्ध गया और अपनी सेना जुटाने में भी जुटा, एक ऐसा पहला विजार्ड जिसने पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से सीधे टक्कर ली थी। दोस्तों, डंबलडोर जो है वो बचपन से ही एक बहादुर विजार्ड चले आए हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा जादू करना आता था, अटैकिंग में भी और डिफेंसिंग में भी। तो जब ग्रिंडलवॉल्ड डंबलडोर के साथ थे, तो क्या ग्रिंडलवॉल्ड को ये पता था कि डंबलडोर जो है बहुत ही बेहतरीन विजार्ड है? तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें पता था कि डंबलडोर एक बहुत ही बेहतरीन विजार्ड है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि इसी चक्कर में उसने जो है पहले ब्लड पैक्ट करवा लिया था डंबलडोर से, कि फ्यूचर में डंबलडोर कभी उसके खिलाफ खड़े ही ना हो, उसके खिलाफ लड़ ही ना सके। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को जो है झूठा बताता हूँ, मतलब ये बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि डंबलडोर जो है वो बचपन से ही जादू करने में अच्छे थे और सभी चीज़ों को समझते थे। तो वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं थे जो एकदम किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मेरा ओपिनियन है कि ब्लड पैक जो है वो ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर दोनों की मंजूरी से हुआ था। डंबलडोर जो है यहाँ पर ग्रिंडलवॉल्ड को समझने में थोड़ा असफल हो गए थे, क्योंकि ग्रिंडलवॉल्ड की बचपन से ही मंशा जादुई दुनिया और अनजादुई दुनिया पर राज करने की थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ब्लड पैक्ट होता क्या है, ये चीज़ है क्या आखिर ब्लड पैक्ट। दोस्तों, हमने अपनी पुरानी वीडियो में अनब्रेकेबल वाओ के बारे में बात करी थी, ये उसी तरह की कसम होती है। विजार्डिंग वर्ल्ड में कई तरह की कस्में होती है, जैसे कि एक अनब्रेकेबल वाओ थी, उसी तरह से ये एक ब्लड पैक्ट है। अनब्रेकेबल वाओ जब आप लोग तोड़ते हैं तो उसमें आपका निश्चित है कि आप लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर ब्लड पैक्ट टूटेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ अभी तक हमें पता नहीं है। अगर किसी विजार्ड को ब्लड पैक्ट की प्रक्रिया पूरी करनी है जिसे वो ब्लड पैक्ट करना चाहता है, तो दोनों विजार्ड एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, अपना हाथ काटेंगे वांड से और फिर मंत्र जो है इसका पढ़ेंगे और अपने हाथों को मिला देंगे। दोनों के जो खून है, जो उन्होंने हाथ काटा है, वो आपस में मिल जाएंगे और जो दोनों खूनों की बूंदें हैं वो भी आपस में मिल जाएगी और वो दो खूनों की बूंद जो है एक बूंद में मिलकर एक फील में बंद हो जाएगी और फिर उसे कोई भी रख सकता है अपने साथ। और हमें पता ही है कि उसे ग्रिंडलवॉल्ड ने अपने साथ रखा था, क्योंकि उसे तो पता ही था कि डंबलडोर भी एक बहुत बेहतरीन विजार्ड है और वो कभी ना कभी तो मेरे सामने ज़रूर खड़ा होगा। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लड पैक टूटने से होता क्या है। दोस्तों, ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि ब्लड पैक टूटने से होता क्या है, ये हमें फैंटास्टिक बीस्ट की आने वाली मूवीज़ में ही पता चलेगा। अभी तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बारीकी से समझा देता हूँ। दोस्तों, हम लोगों को वो बात तो पता होगी जब अरियाना की डेथ हुई थी, ग्रिंडलवॉल्ड ने जो है एबेफोर्थ पर हमला कर दिया था और डंबलडोर ने जो है डिफेंस की स्पेल्स पर आजमाई थी, मतलब कि एबेफोर्थ के ऊपर हुए हमले को रोका था। दोस्तों, जब ग्रिंडलवॉल्ड ने एबेफोर्थ पर हमला करा और डंबलडोर ने एबेफोर्थ को बचाया था, इसका मतलब डंबलडोर ने जब एबेफोर्थ को बचाया तो एबेफोर्थ जो है ग्रिंडलवॉल्ड के विरुद्ध था, जिस वजह से वो डंबलडोर ने जब एबेफोर्थ की साइड ली तो डंबलडोर ग्रिंडलवॉल्ड के विरुद्ध हो गए, क्योंकि उसने एबेफोर्थ का साथ दे दिया था, जिस वजह से जो है ब्लड पैक टूटा और शायद उसी के चलते एरियाना की मौत हुई। ऐसा मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन जब आप लोग बारीकी से इसके बारे में रिसर्च करेंगे और कहीं और भी पढ़ेंगे, जब आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या इसी वजह से। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ कि डंबलडोर ने सारी ज़िंदगी ये बोला कि एरियाना की मौत का ज़िम्मेदार मैं हूँ, एरियाना की मौत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। हैरी पॉटर सीरीज़ में भी हमें यही देखने को मिला था। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्लड पैक टूटने की वजह से एरियाना की मौत हुई। दोस्तों, जेके रोलिंग किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं डालती है, उसने क्रेडेंस को भी ऐसे ही नहीं डाला है, उसने ब्लड पैक को भी ऐसे ही नहीं डाला है। हमें फैंटास्टिक बीस्ट की आने वाली मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली है। दोस्तों, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड पैक एक ऐसी चीज़ होती है जो दो विजार्ड के द्वारा उत्पन्न की जाती है, ब्लड पैक्ट की प्रक्रिया, और अगर कोई इस प्रक्रिया को तोड़ता है तो उसका अंजाम क्या होता है ये अभी तक हमें नहीं पता है। और डंबलडोर ब्लड पैक्ट को कैसे तोड़ते हैं ये फैंटास्टिक बीस्ट में आने वाली सीरीज़ में हमें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और ब्लड पैक्ट की प्रक्रिया पूरे होने के बाद हमें पता ही है कि जिससे आपने वो ब्लड पैक्ट की प्रक्रिया की है, वो दोनों विजार्ड एक दूसरे के खिलाफ ना तो खड़े हो सकते हैं और ना ही एक दूसरे को चोट भी पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को मार भी नहीं सकते और एक दूसरे को हल्की सी खरोच तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी पॉइंट की वजह से मैंने ये बोला है कि क्या पता एरियाना की डेथ इसी वजह से हुई हो और डंबलडोर ने अपनी पूरी एंटायर लाइफ, मतलब पूरी ज़िंदगी यही माना है कि एरियाना की मौत मेरी वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं ब्लड पैक्ट का एरियाना की मौत से ज़रूर संबंध होगा। फैंटास्टिक बीस्ट में बाकी सब चीज़ क्लियर तो हो ही जाएगी।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। दोस्तों पहली बार मैं एम रख रहा हूँ 50 लाइक्स का, आई होप कि आप लोग पूरा कर देंगे। 50 लाइक्स तो ज़रूर कर देना और जिन लोगों को लगता है मेरा कॉन्टेंट कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड।